मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान, गौरव दिवस, अंकुर अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। मैराथन का आयोजन छिंदवाड़ा पुलिस ग्राउंड में 21, 11 और 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि यह मैराथन जिले के लिए पहला प्रयास है। इस आयोजन को पर्वतारोही भावना टहरिया के साथ मिलकर आयोजित किया गया। मैराथन का आयोजन यदि सफल होता है तो एनुअल इवेंट के रूप में इसे आगे आयोजित किया जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य युवाओं और सभी के लिए फिटनेस की ओर आकर्षित करना है। आजादी का अमृत महोत्सव के बीच हर घर तिरंगा अभियान का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें 11 तारीख से लेकर 17 तारीख के मध्य में देश में हर घर तिरंगा फहराया जाना है, जिसके लिए भी मैराथन के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई। वहीं अंकुर अभियान के लिए भी, ताकि हर व्यक्ति आगे आकर पौधारोपण करे। वहीं इस वर्ष से 5 सितंबर को गौरव दिवस मनाया जाना है। इस दिन ही छिंदवाड़ा के नगर निगम की स्थापना हुई थी। इसका आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि उसके प्रति भी जागरूक हो सभी। आगे सौरभ कुमार सुमन ने संदेश देते हुए कहा कि हमें ऐसे मैराथन जैसी चीजों में सकारात्मक ऊर्जा को लगाना चाहिए, यह हमारे शरीर और मानस पटल के लिए अच्छा है। मैराथन के साथ ही इट राइट चैलेंज के तहत 15 किलोमीटर वाकथन का भी आयोजन किया गया। मैराथन में भाग लेने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा गया। बता दें कि 21 वर्ग किलोमीटर मैराथन में वाराणसी की श्याम ने पहला स्थान हासिल किया। नागपुर की प्राजक्ता गोडबोले ने महिला वर्ग में पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में 21 वर्ग में 246, 11 किलोमीटर में 410 और 5 किलोमीटर में 2300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने कलेक्टर सौरभ सुमन सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। छिंदवाड़ा से BGN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।